वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो आज हम बात करेंगे रिपल के XRP टोकन के बारे में। फिर से बताऊंगा क्या क्या खबर निकल के आई है उसके बारे में पिछले 24 घंटे में, और बताऊंगा उसका प्राइस एनालिसिस। सारी खबरों के बारे में जांचेंगे क्या क्या हुआ कल के दिन में, एंड फिर हम निकालेंगे एनालिसिस। सो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। एंड यस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। हम डेली बेसिस पे क्रिप्टो कवरेज करते हैं तो ज़रूर चेकआउट करें। सो ज़्यादा मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करता, शुरू करते हैं। सीधा आते हैं पहली खबर पे। बिटकॉइन करेक्शन गेन्स, इथेरियम एंड ऑल्टकॉइन ड्रॉप शार्पली। बिटकॉइन करेक्शन हो रहा है एंड इथेरियम और ऑल्टकॉइन शार्पली ड्रॉप हुए हैं। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन 2.80% से डाउन है, एथेरियम 4% से डाउन है, टीदर भी 3.0 टीदर को चलो छोड़ ही दो, कार्डेनो 6% से डाउन है, XRP 10.26% से डाउन है। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर मैं देखूं टॉप 10 कॉइन सारे ही डाउन है एंड पूरी मार्केट थोड़ी सी बियरिश मोड में गई हुई है। ये ज़रूर नोट करने वाली बात है। एंड जहां बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई गया था $49,650, बट फिर से वो करेक्शन पे होके लोअर हुआ। एथेरियम डिक्लाइन किया शार्पली एंड टेस्टेड यूएसडी गया था 1660 पे, XRP 10% पे आ गया, ड्रॉप किया 0.525 पे। डॉज, ONT, CRD सारे डाउन है एंड यही सारा सीन है मार्केट का। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, हमारी बेसिकली बात करें XRP के, तो XRP आपको रैली गया उसका, आपको दिखाता हूँ 0.550 रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस का स्पाइक किया 0.600 लेवल बिफोर करेक्टिंग हुआ एंड 10% से डाउन है। एंड USD 0.550 का सपोर्ट भी उसने तोड़ा एंड उससे नीचे आ गया, भले ही वो अपने मेजर सपोर्ट लेवल 0.500 से ऊपर है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो उसको भी टेस्ट करे। ये एक न्यूज़ निकल के आई है। अगली न्यूज़ की बात करें तो XRP फॉल्स 10.04% इन राउट। तो XRP जैसे कि investing.com के अकॉर्डिंगली 10.04% से नीचे था एंड लार्जेस्ट वन डे परसेंटेज लॉस था सिंस मंडे 1 फेब 2021। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मार्केट कैप भी डाउन थी एंड हाईएस्ट मार्केट कैप 31 बिलियन रही है एंड अभी करेंट अगर मैं बताऊं आपको मार्केट कैप XRP की $25 बिलियन है। ये भी नीचे आई है काफ़ी। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि हमने बात की थी ब्रॉडर मार्केट की सपोर्ट भी चाहिए थी एंड वहीं पे थोड़ा सा मार खाया है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम दोनों लॉस पे थे। भले ही बिटकॉइन इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली 1.22% से अप था, बट अगर हम अब की बात करें एट पॉइंट स्टेट पे बिटकॉइन 2.90 ऑलमोस्ट 3% डाउन है अपने प्राइस से। ये भी नोट करने वाली बात है। अगले हम न्यूज़ की बात करें तो जेड मैकलिप सेल्स 22 मिलियन वर्थ ऑफ XRP को फाउंडर स्टैश को रन ड्राई बाय में। ये है कि जो उनके को फाउंडर हैं रिपल के को फाउंडर जेड मैकलिप ने 22 मिलियन का XRP सेल आउट कर दिया एंड वो कर सकते हैं कि अपना जितना भी उनका स्टॉक है XRP का सब वो डंप कर सकते हैं। एंड ये एक और बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के ये 38 मिलियन XRP उन्होंने डंप किए हैं एंड इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इसकी वजह से क्या है XRP की प्राइस, आपको पता है जब सेल होगा तो प्राइस लो ज़रूर आएगी एंड इनका यही सीन है कि ये नीचे करना चाहते हैं इसका रिपल का XRP का प्राइस। एंड वैलेंटाइन डे पे तो यार वैलेंटाइन डे पे तो कल की बात है सारे ही कॉइन वैलेंटाइन मनाने नीचे गए हुए थे। मेरे को एक कमेंट आया था बड़ी हंसी आई यार, उसने कहा था कि सारे कॉइन वैलेंटाइन मनाने नीचे गए हैं, तो भाई वही बात है। अगर आपको मैं चार्ट भी दिखाऊं तो सारे कॉइन वैलेंटाइन मनाने देखो भाई नीचे गए हैं, रेड ही रेड है, रेड रेड खून ही खून। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ वापस आए इस पे, तो जो जेड है उनके ये जो XRP जिन्होंने सेल आउट किया है अमाउंट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में। एंड आपने देखा भी कि मार्केट, अगर मैं आपको करंट प्राइस दिखाऊं, XRP 0.5555 पे ट्रेड कर रहा है एंड लो आ गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब उन्होंने भी सेल आउट कर दिए, क्योंकि आपको पता है सारे अब सारे ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं उसको, ट्रेडिंग ऑन हॉल्ट है एक हिसाब से। मैं आपको बताऊं देख लो 3% से डाउन है वॉल्यूम, जो ट्रेड वॉल्यूम है लास्ट 24 आवर्स में। अब इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेडिंग है थोड़ी हॉल्ट पे भी है, लोग होल्ड कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि XRP थोड़ा रन करे और ऊपर जाए। एक बहुत बड़ी ये भी पॉइंट है निकल के आता है। अब हमको देखना है कि अब क्या है कि जो इनके इन्होंने सेल आउट किया है कि क्या है, क्या इनका मतलब इफेक्ट मार्केट में क्या पड़ेगा एंड कैसे रिपल डील कर रहा है
इस SEC के लॉ सूट के, ये भी देखने वाला है। और आपको मैं दिखाऊंगा 1.22 बिलियन का XRP सोल्ड किया है फेब में, तो यार बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ XRP सेल आउट हुआ है। एंड यही न्यूज़ अगली न्यूज़ पे है, XRP बुलिश पोटेंशियल टू जीरो टू वन डॉलर रिमेंस इंटैक्ट डिस्पाइट रिसेंट पुल बैक। अगर आपको पता हो कि अभी कल ही है, मतलब आज ही देख लो, रिसेंट पुल बैक करके अपना इंट्राडे लो 0.5620 पे गया था एंड फिर उससे भी नीचे आया था 0.5216 पे। तो बट स्टिल अभी भी है कि पोटेंशियल होल्ड करता है $1 का और इंटैक्ट है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है कि ये अपना $1 का मार्क ज़रूर बहुत जल्द ही अटेन करेगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है सारा इसका सीन। मार्केट कैप 9% से डाउन है 9.51 से और ट्रेड वॉल्यूम 3.21% से डाउन है। जो करंट प्राइस है $0.5353 USD पे ट्रेड कर रहा है XRP। तो अब हम क्या समझ सकते हैं, देखो यार XRP अभी थोड़ा नीचे आया है बट यस पैनिक मत करो, इसको अभी ऑब्जर्व करो। देयर माइट बी, अभी इसने 0.50 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है टेस्ट नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, सो हम कह सकते हैं अभी बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है, अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, अपना बुल्स रन करके प्रोसीड करेगा 0.65 का बैरेज ब्रेक करके फिर जाएगा 0.7 की तरफ और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि $1 भी जाए। तो ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी पैनिक मत करो, मार्केट में ज़रूर इनके को उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं इतने सारे XRP, प्राइस ज़रूर उससे लो आया भी है, उसका भी एक इफेक्ट है, ब्रॉडर मार्केट के इफेक्ट से भी नीचे आया क्योंकि सारे कॉइन्स ही नीचे हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार ये ऊपर क्यों है या ये थोड़ा ऐसे क्यों हो गया, रीजंस हैं इसके लिए भी, और क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग वगैरह सेल आउट हुआ है, सबने प्रॉफिट्स निकाले हैं लोगों ने। सो मेरा आपको कहना यही है कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो यार इसको होल्ड कर लो, या इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसको इन्वेस्ट करो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी भी यही कहूँगा, मेरे लिए XRP एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉइन नहीं, बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कॉइन नहीं है, लॉन्ग टर्म कॉइन है, मैं इसको लॉन्ग टर्म में देखता हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखे जाएगा। शॉर्ट टर्म में शायद आप इससे इतना प्रॉफिट ना कमा पाएँ, या अगर शॉर्ट टर्म में बुल्स पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो वो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी किस्मत है। बाकी यार मैं कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ, आपका पैसा है, आप लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है, मेरा कोई फोर्स नहीं है। एंड आपको पता है इस चैनल पे हम क्या करते हैं, मैं आपको रोज़ क्रिप्टोस पे न्यूज़ देता हूँ, हम एनालिसिस करते हैं और मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस कॉइन के साथ क्या करता। सो यही था इस सब वीडियो में, XRP के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी अपडेट तो आई नहीं है, बाकी जैसी अपडेट आती है आपको पता है इस चैनल पे सबसे पहले मिलती है, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलता रहे। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सबको बताओ कि यार XRP का ये चल रहा है मार्केट में एंड ऐसा ऐसा सीन होने वाला है और ये बहुत पॉजिटिव कॉइन है। एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके पास कितना कितना XRP आप सबने होल्ड कर रखा है एंड आप क्या सोचते हो कि बाय द एंड ऑफ, चलो लगाते हैं बाय द एंड ऑफ 20th February 2021, मतलब आज से 5 दिन बाद कितना प्राइस होगा XRP का, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर हम देखते हैं कि भाई किसका होगा सबसे अच्छा, मतलब कौन है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, देखते हैं। सो यही है, बाकी कमेंट ये भी करके बताओ कि कौन सी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आऊँ, बाकी हम डेली बेसिस पे क्रिप्टो करेंसीज चेक करते हैं। सो आप आई बटन पे दे सकते हैं एंड यस प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक क्रिप्टो की अपनी अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। बाकी यार यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।